नमस्कार बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम जेबीएन मनीषा शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट इफेक्टिव स्किल्स ऑफ रेडियो जर्नलिज्म। देखिए, जब हम रेडियो पर कुछ भी चीज़ बोलते हैं, चाहे वो जिंगल हो, चाहे वो पूरा शो हो, या फिर वो शो बम्पर हो, या फिर मैं बात करूं किसी स्पेशल शो की, किसी टारगेट बेस्ड शो की, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जो शो है, आपका जो जिंगल है, आपके जो स्पॉट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वेराइटी हो। देखिए, ऑलरेडी कॉम्पिटिशन का ज़माना है, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे रेडियो स्टेशंस हैं। अब लोग आपको क्यों सुने अगर आप एक ही ढर्रे पे चलते रहेंगे, एक ही जैसी चीजें आप लोगों के लिए प्रस्तुत करते रहेंगे, प्रेजेंट करते रहेंगे, तो लोग उससे बोर हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और फिर उसके बाद क्या होगा कि जितने भी कमर्शियल रेडियो स्टेशन है, वो सारे के सारे जो हैं एडवर्टाइजमेंट उन पर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर उस पर एड ही नहीं है तो बिना एड के रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा और वो स्टेशन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अब जब तक आप क्वालिटी वाले शोज जो हैं, इफेक्टिव स्किल्स के साथ अगर आप किसी शो को डिजाइन नहीं करेंगे, तब तक उस शो को कोई भी नहीं सुनेगा। तो अगर आपको एक अच्छा शो बनाना है, एक सुंदर शो बनाना है जिसे लोग सुने, तो उसमें क्या वैरायटीज होनी चाहिए, किन स्किल्स को आपको ध्यान में रखते हुए शो को बनाना चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वॉइस मॉड्यूलेशन का। आपकी आवाज में मॉड्यूलेशन होना चाहिए। देखिए, रेडियो पर जब भी आप कोई भी शो बनाते हैं तो सबसे ज्यादा आपकी आवाज चाहे कैसी भी हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन आपकी वॉइस में मॉड्यूलेशन होना बहुत जरूरी है। गाना गाने के लिए आपकी आवाज का अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है। आपकी आवाज सुरीली होगी तभी आप गाना गा सकते हैं, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज जो है सुरीली होगी तो ही आप रेडियो पर बोल सकते हैं। अलग अलग तरीके की आवाजें होती हैं, किसी की आवाज पैपी होती है, किसी की आवाज स्वीट होती है, किसी की आवाज में बहुत अच्छा बेस होता है, तो किसी की आवाज में बेस ही नहीं होता। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइसेस। किसी की आवाज में बहुत एक हार्श पना होता है। अगर मैं रानी मुखर्जी की आवाज की बात करूं तो उनकी आवाज में एक कर्कश सी एक ध्वनि जो है वो हमारे कानों में सुनाई देती है। तो सबकी आवाज का टेक्सचर अलग अलग होता है, लेकिन रेडियो पर बोलने के लिए आपकी आवाज में मॉड्यूलेशन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या है। वॉइस मॉड्यूलेशन इज द स्किल which help you to emotion into the message you want to convey. क्या है voice modulation? एक तरीके का emotion है जो कि आपके message को convey करने में आपकी मदद करता है। अब मान लीजिए कोई sad news है तो हम उसको side emotion के साथ में प्रस्तुत करते हैं। किसी का birthday है, मान लीजिए अमिताभ बच्चन का birthday है, तो हम इस चीज को बहुत ही खुशी के साथ जो है express करते हैं। तो आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, आपकी आवाज में जो एक्सप्रेशन है, आपकी आवाज में जो इमोशन है, ये जो चीजें हैं जब आपकी आवाज में आती हैं, तो दैट इज कॉल्ड वॉइस मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट जो है आपका एसेंट, प्रोनंसिएशन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन, ये तीनों चीजें देखिए बेटा डिफरेंट हैं। सबसे पहले हम एसेंट की बात करते हैं कि व्हाट इज एसेंट। An accent is a way a person or a group puts emphasis on different parts of a word. Accent क्या है कि आप जब भी कोई चीज बोलते हैं तो आप कौन से शब्दों पर emphasis देते हैं और कौन से शब्दों को एक rhythm में बोलते हैं। The rhythm in which you spoke is called accent. ठीक है? It also refer to the rhythm which with which a person or a group speaks any language. देखिए, अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा के लोग जो होते हैं
उनका एसेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप बिल्कुल उनसे जब बात करते हैं तो उनके एसेंट से ही समझ जाते हैं कि ये जो बंदा है ये हरियाणा से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो एसेंट है, उसकी जो बोलने की टोन है, उसके अंदर वहां का लहजा जो है वो बिल्कुल साफ साफ झलकता है। सेकेंड इज, अगर आप किसी राजस्थान के इंसान से बात करते हैं तो उसकी टोन में राजस्थानी वाला जो एसेंट है वो आपको नजर आएगा। पंजाबी की टोन में आपको पंजाबी एसेंट मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं कि भाई राजकुमारी जो है वो कनाडा में अपनी एजुकेशन ले रही है। अब अगर इसको पंजाबी इंसान बोल रहा है तो वो तो कनाडा को कनाडा ही बोलेगा। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये आपकी एसेंट में नजर आते हैं। एक हरियाणवी इंसान इस चीज को बिल्कुल लठमार तरीके से बोलेगा। और अगर आप यूपी की बात करते हैं तो वहाँ के लोग भी बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, तो वो सॉफ्टली इस चीज को बोलेगा। तो ये जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एसेंट। द वे यू स्पोक एंड द रिदम एंड द एम्फेसिस ऑन योर लैंग्वेज इज एसेंट। इट कैन ऑल्सो रेफर टू द स्पीड एट विच अ पर्सन स्पीक्स। एसेंट में और क्या होता है? आप जिस गति से बोल रहे हैं दैट इज ऑल्सो इंक्लूड्स ए एसेंट। नेक्स्ट इज प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन जनरली रेफर्स टू द क्लैरिटी एंड करेक्टनेस ऑफ द स्पोकन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से काउच फॉर कोच, दैट इज इनकरेक्ट। प्रोनंसिएशन का हम सब जानते हैं कि हर वर्ड का अपना एक प्रोनंसिएशन होता है। अगर आप उसको गलत बोल रहे हैं ऑन एयर तो दैट इज अ मिस्टेक। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आप जो भी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं वो करेक्ट हो। अब वो करेक्ट कैसे होगा? अगर मान लीजिए कोई इंग्लिश का वर्ड है तो आप ऑनलाइन देख ही लेते हैं आजकल गूगल करके उसका प्रोनंसिएशन कैसा होगा। हिंदी के उच्चारण के लिए मतलब मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि बिहार की साइड के जो हमारे बच्चे आते हैं उनके साथ ड की प्रॉब्लम होती है, ड और र की। सड़क को वो लोग बोलते सड़क सड़क जाएंगे, है, जबकि जाना क्या है? सड़क सड़क जाना है। तो ये जो प्रोनंसिएशन का प्रॉब्लम है दैट इज मदर टंग डिफॉल्ट। मतलब कि वो जिस जगह से आए हैं वहां पे र और ड का इशू जो है वो एक कॉमन इशू है। इसी के साथ साथ स और श का भी एक कॉमन इशू होता है। कई लोग जैसे मुझे बुलाते हैं मनीषा और कई लोग मनीषा, प्रॉपर प्रोनंसिएशन होता है। तो स और श का डिफरेंस आप देखेंगे, ये जो डिफरेंस है मोस्टली राजस्थान के जो लोग हैं उनकी टोन में आता है। स श का बहुत इशू है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप असम, मेघालय इस वाली साइड के लोगों को देखेंगे तो वो आपके जेंडर को ही चेंज कर देंगे कि मनीषा कहाँ गया था, और अगर बात करेंगे कि ऋषि तू आ गई तो वो जेंडर, मेल जेंडर को फीमेल जेंडर की चीजें लगा के बुलाते हैं और फीमेल जेंडर को मेल जेंडर की चीजें लगा के बुलाते हैं। तो ये भी जो डिफरेंस है ये भी एक बड़ा डिफरेंस है जो कि रेडियो पर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन की। वॉइस मॉड्यूलेशन इज जनरली समथिंग एसोसिएटेड विद सिंगिंग। हाउएवर, एवरीवन मॉड्यूलेट्स हिज हर वॉइस टू सम एक्सटेंट ऑन अ डेली बेसिस। पीपल शाउट व्हेन दे आर एक्साइटेड, दे विस्पर व्हेन दे वांट टू बी सीक्रेटिव, दे मे एग्जैग्रेट certain sound and so on. This is a natural and normal aspect of speech. Voice modulation क्या है बेटा? आपके जो भी emotions हैं वो जब आपकी आवाज में आते हैं, express करते हैं किसी चीज को, तो वो है voice modulation. अब आप हंसते हुए तो कभी ये news नहीं बताएंगे on radio कि प्रणब मुखर्जी जो हैं वो expire हो गए हैं, है ना? तो जिस तरीके की बात होती है उस बात में, आपके शब्दों में वो एक्सप्रेशन झलके, दैट इज
वॉइस मॉड्यूलेशन। अब बात आती है कि व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, वॉइस मॉड्यूलेशन का होना क्यों इम्पॉर्टेंस रखता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इट बाइंड्स द सबसे बड़ी बात तो ये है कि इट्स बाइंड योर ऑडियंस। अगर आपकी वॉइस में मॉड्यूलेशन ही नहीं होगा तो लोग आपको सुनेंगे कैसे। सेकंड इज एक्सप्रेसेस इमोशंस, ये आपकी आवाज में जो भी इमोशंस हैं। अब देखिए रात के जितने भी शो आते हैं उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसके अंदर आपको रोमांस मिलेगा। सुबह के जो शोज आते हैं उनके अंदर आपको एंथुजियाज्म मिलेगा। थर्ड इज शो कॉन्फिडेंस, जब आपकी आवाज में मॉड्यूलेशन होता है तो आपको शो करने में भी एक कॉन्फिडेंस फील होता है। स्पीच बिकम्स इंटरेस्टिंग, अब आप सेम ही वे से कोई चीज बोल रहे होंगे तो ऑब्वियसली किसी को इंटरेस्ट उसमें क्रिएट ही नहीं होगा, आपकी आवाज सुनने में किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्पीच जो है वो इंटरेस्टिंग बनी रहे। अलाउ स्पीकर टू स्ट्रेस ड्रॉ द टेंशन ऑफ अ लिसनर। नेक्स्ट इज ब्रिंग्स क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक टॉपिक चूज कर सकते हैं। अपने फोन में आप सभी के फोन में वॉइस रिकॉर्डर है, उसको ऑन करो। छोटा सा 10 लाइन का एक पैराग्राफ लिखो बस, और फिर उसको रिकॉर्ड करो। उसको रिकॉर्ड करने के बाद आप लोग खुद उसको चेक करो, अपने घर में सुनाओ, सबको, पापा को सुनाओ, आपकी सिस्टर है तो सिस्टर को सुनाओ, ब्रदर है तो ब्रदर को सुनाओ। आपने जो भी कुछ रिकॉर्ड करा है वो किसी ना किसी को सुनाओ और उसका फीडबैक लो कि उसको वो कैसा लगा और उसमें क्या कमियां थी, उसको नोट डाउन करना। हम क्लास में इनके ऊपर भी बात करेंगे कि किसने आपको आपकी आवाज में क्या कमी है ये बताया। तो आज हमने जाना कि वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है और क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए रेडियो पे शो करने के लिए। थैंक यू।